ज़ात का नाम है अल्लाह, उसी ज़ात का नाम है। इसलिए तो किसी ने कहा था ना, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। तलाश उसे न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में, जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। लेकिन दुख की गल ये है जी, दर्जन दर्जन किन्नों खा जाने, लेकिन सू अल्लाह कभी भी नहीं याद है, नहीं याद अपने अल्लाह को याद। हजूर नबी रही सलात तो सलाम से करो। दूसरी गल है भाई, कल्या ना खाओ, वंड के खाओ यार, कल्या ना खाओ, वंड के खाओ। कल्या खाना ना अल्लाह पसंद ना अल्लाह दे महबूब। अमीर होना चाहते हो ना, वंड के खाओ, इंशाल्लाह सारी जिंदगी खाओ, सारी जिंदगी अपने अपने अल्लाह को पुकारो, अपने अल्लाह को याद करो। बड़ी बरकतें अल्लाह के नाम, बड़ी बरकतें। क्या करें अगर ईमान के जोफ का शिकार हम, कहाँ इतनी जल्दी मानते लोगों को क्या थकीद है यार, ऐ नहीं वरी ऐ पढ़ नहीं, कोई तवीज दे दू यार, सौ वरी नहीं पढ़ नहीं, कोई तवीज दे यार, सौ वरी जरूर नहीं, नहीं आप सब कुछ तवीज नहीं दे देते। मैं एक छोटा मोटा सा ना हकीम भी है, बस कभी कभी कर ली थी एक मशीन, लेकिन अब टाइम ही नहीं पाई, सारा दिन तो सड़कों पर हो ही था, हकीम केड़ी केड़े वेले करनी है। लेकिन फिर भी अगर किसी को परेशान देखूँ ना, तो मैं नुस्खा वगैरह लिख देता हूँ भाई, ए, 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 इस तरह करना है। लेकिन असल जो बात है भाई, नाल अल्लाह पता लोग आगे से क्या जवाब देते हैं, नहीं अब सब अल्लाह अल्लाह बतावांगे, राम तो दवाई ना ही आना है, हैं ये लोगों का जवाब होता है कि अब सब अल्लाह अल्लाह बतावांगे, लेकिन राम दवाई ना, मतलब भाई राम तो दवाई ना आना है, तू सा मैं भी अल्लाह अल्लाह करने को कहने है ना, नहीं हजरत जी दवाई ना राम नहीं, राम तो नहीं आना जी, मजा नहीं देना है, दवाई क्या होती है, दवाई कुछ भी नहीं, राम उसी को आना है जिसको अल्लाह ने देना है। ये हमें ना, हमने मदारिस से सीखा, हमने बुजुर्गों से सीखा है, हमने किताबों से सीखा है, लेकिन जो मुकर्रबीन होते हैं ना अल्लाह के, जो अंबिया सलामुल्लाहि ताला अलैहि, वो नहीं मदरसों और किताबों से सीखते, उनकी तरबियत अल्लाह जल्ला शानहु खुद फरमाते हैं, अर रहमान वल्लमल कुरान, ठीक है जी। ये लिखा है मुस्लिम शरीफ में कि एक दिन ना अल्लाह पाक हजरत मूसा अलैहि सलाम से, जब वो कोई तूर पे हाजिर थे, पूछा मेरे करीम अलैहि सलाम आपका कोई बचपन का दोस्त है, अर्ज की थी अल्लाह की दर्जी है मेरा बचपन का दोस्त, अल्लाह पाक ने पूछा कच्चा के पक्का, अर्ज की थी अल्लाह बचपन का दोस्त है पक्का यार, फिर मैं जाओ फिर जी अड्डे पक्का है, तो उन्होंने सूई तो लैके हजरत मूसा अलैहि सलाम तशरीफ ले रहे, बड़ा खुश हुआ भाई मेरे दोस्त आए हैं, दोस्त भी वो जिनके सरे मुबारक पे ताजे नबूव सज चुका है जी, बड़ा खुश हुआ था। खैर बातें होती नहीं, थोड़ा वक्त गुजर गया, खुद ही पूछता है हजरत मूसा अलैहि सलाम, हजरत खैर ना लाए, आपने फरमाया यार वो तू दर्दी है, तो तेरे पास सुइयां तो काफ़ी होंगी, कहता जी जना, तो आपने फरमाया सुई तो दे, कहना नहीं जना सुई तो नहीं देनी मैं कोई, आप बड़े राम यार तेरी मेरी यारी के सामने सुई की क्या ऐसी है, वो कहता नहीं जनाब सारियाँ गलों बारे से सुई नहीं देनी, आपने याद करवाया, याद कर यार मैं बचपन में तुझे महल से ला के क्या क्या नहीं किया करता, आज पहली बार अगर तुमसे सुई मांग ली तो वो भी बदीद हो गए, नहीं जनाब सुई नहीं जमा देना, हर शहर इकरार करना सुई नहीं देना। हजरत मूसा अलैहि सलाम को एक दूर पे वापस तशरीफ लाए, अल्लाह पाक ने पूछा कलीम की मनी, अरे कितनी अल्लाह है मनदा है कि यार आने की सुई नहीं देता, या तो तेरे इनकार ही कर दे कि भाई यारी कोई ये मानता है कि दोस्त, लेकिन कहता सुई नहीं है कोई, अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे कलीम फिर जाओ, हजरत मूसा अलैहि सलाम वापस आए कदम उन्होंने गिर गया, सास सुइयां भी पेश कर दी, कहता दूर सारियां सुइयां तड़ी हैं, आप बड़े हैरान हुए, पहले कह रहा था एक नहीं अब कह रहा है सारी आपकी, तो क्योंकि आर्डर एक का था, हजरत मूसा अलैहि सलाम ने एक सुई उठाई सुइयों में से, आपको एक दूर पर वापस तशरीफ ले आए। अल्लाह पाक ने पूछा कलीम क्या बन गया, अर्ज की थी अल्लाह पहले एक नहीं देन दिया, कहना हूँ सारी ही तड़ी, अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे कलीम पहले भी उसके दिल में मैंने डाला था, अभी मैंने ही डाला था, अभी नहीं डाला, अभी नहीं।
कोई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, कोई होता है जो मंजूर खुदा होता है, वही मर्जी मंशा होती है। बस इकबाल ने एक इशारा दिया था, वो क्या इकबाल कहता है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, वो खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ओए हाथ से ही पैरों से भार बात कर मैं जुड़दा ही आज तो सही बंदे थोड़ा खड़ा तो हो गया पैरों से भार ते पा ते कोई चार वाल नहीं रखे जाते स्टक जी टोपी दे गुजर ते नहीं रखी जाती आज तो सही खड़ो तो सही रे ये की नहीं करते ये वैसे भी हजरत हम नहीं पढ़ते किताबें पढ़ा करो ये किताब है अल्लाहुल कुद्स इमाम बदरुद्दीन सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह की मुसनद उसमें ने लिखा है कि कोई शाह साहब थे तो जमुना नदी में बाढ़ आ गई सैलाब आ गया बंद उस साइड से थोड़ा क्रैक हो गया तो जो पानी है ना जोर भी उसी साइड पे था पानी का तो पानी जो है वो गांव की जानी माना शुरू हो गया अब सबको पता था कि पानी पे किसी का जोर नहीं है, है? तो तब इतने लोग पढ़े नहीं थे लेकिन मानने वाले थे हम अभी पढ़ पढ़ा गए हैं लेकिन मानने वाले कोई नहीं है ठीक है साढ़े जो पिछले सन पढ़े नहीं सन नहीं है लेकिन हर घर की यारहवीं का खत्म होता है जमेरात में हर घर खत्म होता है हम अभी पढ़ बहुत गए हैं यारहवीं में खत्म हो गई है जमेरात का खत्म भी खत्म हो गया ठीक है वो जो है ना वो सारे लोग इकट्ठे हो गए ना शाह साहब के पास आए आगे लूरो सलाब आ गया बन फट जाए बस क्रैक हो गए ये पानी है थोड़ा थोड़ा आंडिया है तो पानी का रोल ही साढ़े पिंड जनाब जो थोड़ी देर तक कुछ सदे बाब ना आया तो पिंड रुड़ जाने सारे तुम अल्लाह के दोस्त हो अल्लाह के बली हर मुश्किल की कुंजी यारो हथ बलिया दे आई बली नजर करे जी सवेरे मुश्किल रहे ना कहीं दुआ फरमाओ को जोर लाओ तड़ा चल रहा उस बारगाह च सारी किसी मोड़ च बैठे आपने फरमाया चुको सारे कई आओ मेरे नाल सारा पिंड टुर गया उन्होंने जो शहरी बन मरम्मत करके शहरी बन से चले तो बन भरना शुरू कर चुके सारे पिंड आगे कहते तुम भरो ना भाई इतने तो नहीं ना मानने वाले होते हैं लोगों ने क्या ओ बाप अभी अगे आए हैं शहरी बन क्रैक हो गया तो दुआ करो कि पानी का जोर टुटे तो शहरी बन ही भरन लग पे तो जैसे ही शहर ला के बन भरने तो फिर तो गया सारे का सारा पिंड है उन्होंने क्या किया शाह साहब को ना वो बुरा भला कहते हुए सारे चले जाके तो अपने छतों पर चढ़ गई उन्हें कहा शाह रण जरूर नहीं उड़ना है यार पानी साढ़े अल भी आना है चलो बंदोबस्त करिए डंगर शंगर सामने जाके सारे छतों से चढ़ गए हूँ ही पानी आया कि हूँ पानी आया पानी तो यार कोई नहीं आया शाह ही कले मुंडे कई रख के पे लोग उतरे हैं जी तो जाके की देखा कि पानी दो कोस पिछे टुट गए दरिया ने रुख ही बदल लिया पानी ने रुख ही बदल लिया लह गया पानी सारा थे पानी परे नु टुट गए जोर पे पिंड नु ही ना पानी परे नु टुट गया सारा बड़े राम ये की होया ऐ सारे शाह रंग लाए शाह दी पैर से धोन दे आगे माफी जना माफी दे छो और उस मैं माफी दे हुजूर ऐ उन राजी ते दसो ना है पानी दो को के में बड़े डर गए अब ने फरमाया आप ही कहन दे राज दे फिर राज भी पूछी दे राज राज ही रहन दे ने हुजूर दसो ते सही होया की आप ने फरमाया मैं इनू पहला टक मारे ना टक मारे बन उत्ते ते तन में क्या बन पन मेरे ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਭੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜੇ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਟੁਰਿਆ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੁਰਿਆ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟੁਰਿਆ ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਡੋਬਣ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਰੱਖ ਚੱਲ ਰਲ ਕੇ ਡੋਬਣੀ ਚੱਲ ਰਲ ਕੇ ਡੋਬਣੀ ਮੈਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਡਾ ਵੱਡਾ ਬਣਨਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ थोड़ी देर बाद फिर गैर की आवाज की आती है वो बंदे आ वो दो चाहना है जो सी चाहनी लै फिर असि उन्हों कर दें जो तू चाहना है आज सही है तो समझो तो सही रमद है कि रमत समझो तो सही थोड़ी जी कि रमद है खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं ये जहां चीज है क्या लो कलम तेरे हां हाथ रे एक बारी पैर दे पा पा ते सही फिर वेम दा की इथे हमें अदर जी बात नहीं समझ रही छोटे सा बड़े हुए ब्याह कर लिया
चार पांच जाने ही होंगे, ठीक है जी, गड्डी एक अच्छी चल रही है, बड़े खुश हैं जी ना, वही मतलब रे की कर बैठे हैं, बाबा जी कख भी नहीं कर रहे सी की करिए, साढ़े कोई कख नहीं, जे अल्लाह अल्लाह का रसूल नाराजी हो गया तो साढ़े कोई कख नहीं, राजी करो और अल्लाह सब खूब अता फरमाए, अल्लाह खूब अता जड़िया वहम असी पै गए ना वह हकीकत ने का कोई दल नहीं, पर अल्लाह मुआफ फरमाए मादियत प्रस्ती का इन्ना गलबा है, मैं उस दिन एक जनाजा पढ़ाना सी तो मैं असर की नमाज भी उठी पढ़ी जा ना ही जनाजगा सी, मैं जनाजगा चला गया, मैं क्या चलो यार इबरत हासिल करा अब तो रही है पत्थर लगे दे जनाब ने लै तू डर तू कि लगना, पर अपना फिर भी पै गए मेरे पिछले दो बंदे तीन खलोते थे जनाब, जनादगाह लोग घलाटा दी गल खैर मेरे को नहीं लिया गया मोटर मैं ही आ जनादगाह खलोती और पिछले को 2000 कबर ने वो मरना नहीं जी याद है वो दादा नाम ऐसा यार फस गई, मैं आपको भी रिवाज चुना अगर अल्लाह अल्लाह के रसूल को राजी ना किए तो साढ़िया जमीन ने साढ़े नाल करना की है, तस्वीर में लिखा है कि हजरत मूसा अलैहि सलातु सलाम का दौरे मुबारक था और जमीन के टुकड़े की वजह से दो बंदे आपस में लड़ पड़े, एक हकीकी मालिक था एक ने झूठा दावा कर दिया, आपको पता है दलीलें झूठे के पास भी बड़ी होती, होती झूठी लेकिन होती उसके पास भी बड़ी है, वो बड़े बड़े ने रले बह के फैसला कर लगे तो जो झूठा है पर पानी में पैन और नहीं जी इंज नहीं है भी तुझे तो सैड ही रहनी है ये है वो है इंज है उंज है, आखिर बात इस बात पर खत्म हुई भाई अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहि सलाम हमें मौजूद है तो चलो चल के उनसे फैसला करवाते हैं, ठीक है इस तरह वो फैसला फरमाए अल्लाह के नबी के फैसले का कौन इनकार करेगा, वो जनाब वो सारे इकट्ठे होके ना हजरत मूसा अलैहि सलाम की बारगाह में आते हैं, आगे उनकी जमीन का एक टुकड़ा है ये कहता है कि मेरा है ये कहता है कि मेरा है, अब आप जरा फैसला फरमा देंगे इसका है, हमने तो फैसला किया है तो उन्होंने फैसला माना नहीं माना, अब वहां एक ऐसा शख्स था जिसको नहीं पता था कि बारगाह नबूवत के क्या आदाब है, मुझे नहीं अकेला अकेला करके पूछने की जरूरत, मुझे तो अल्लाह ने इतनी ताकत भी दी है कि मैं जमीन से पूछ लूंगा बता दू किसकी है, हजरत मूसा अलैहि सलातु सलाम ने सबको साथ लिया चले गए, जमीन की निशानदेही की गई हजरत मूसा अलैहि सलाम जमीन पर खड़े हो गए और जमीन को मुखातिब करके आपने इरशाद फरमाया ये जैद दावा करता है तू मेरी है, ये बकर दावा करता है तू मेरी है, अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहि सलाम को जो हुक्म देते हैं तू हकीकत हाल से आगाह करके तू किसकी है दुनिया से, लिखा है जमीन बोल उठी, पहले अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहि सलाम की बारगाह में सलाम अर्ज किया और सलाम अर्ज करने के बाद अर्ज क्या करती है अल्लाह के नबी अलैहि सलाम दोनों झूठ बोल रही है ना मैं इसकी हूँ ना मैं उसकी हूँ, इनको कहे तैयारी करें ये दोनों मेरे हैं, इन दोनों को कहे तैयारी करें ये दोनों मेरे हैं, असर रही सारी जिंदगी ऐसे वहम च पे रही है कि मेरी जमीन तेरी तेरी जमीन नहीं मिया तू जमीन लाए तू जमीन लाए हाँ तू जमीन लाए हाँ भाई आज तैयारी कर आज राजी करो अपने अज राजी करो अपने रब दे हबीब अलैहि सलाम, अज वक्त भी बड़ा औखा वक्त है बड़ा औखा वक्त है, ये हमारे एक सूफी बुजुर्ग हुए हैं इंडिया में इनका मिजाज है हजरत शाह वही खराम बड़े बाकमाल बुजुर्ग हुए हैं, इनके अल्लाह कितनी रहमत थी जिस चीज के पास से गुजरते थे ना, मसलन लोहे के पास से गुजरे लकड़ी के पास चीजें हजरत से कलाम किया करती